भाजपा के खिलाफ एक एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी एक पहल है भारत जोड़ो अभियान। जो समस्याएं हैं, एक तरीके से जो चुनौती है, उसके खिलाफ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज, मैं हूं आकाश आपके साथ। हम अभी अपने स्टूडियो में बैठे हैं और ऋषि आनंद जी हमारे साथ हैं। ये पटना के सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि स्वराज इंडिया पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही इनका किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं साथी हैं। तो इनसे हम कुछ पहलुओं पर बात करेंगे, किसान आंदोलन में जो साथी जुड़े थे और कैसे खेती करके उर्वरक मतलब कैसे खेती करके और अपने फसल को उगाएं और ज्यादा से ज्यादा मूल्य पाएं, इसके लिए ये आंदोलन जागरूक करते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज में। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहला जो आपने एक सवाल पूछा था कि अभी हम लोग भाजपा के खिलाफ चुनाव में क्या काम करें, हमारे लिए एक बड़ी लड़ाई है अभी जो 2024 का चुनाव है, और भाजपा की एक एक फासीवादी ताकत है देश भर में। तो हम लोग उसके लिए देश भर में अलग अलग तरीके के आंदोलन को एकजुट करके, एक संगठनों को एकजुट करके भाजपा के खिलाफ एक एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी एक पहल है भारत जोड़ो अभियान, जो देश में काम कर रहा है। और ये 2024 चुनाव के मुद्दे पे विपक्षी पार्टियों के साथ मिलके भाजपा के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का कोशिश कर रहा है। आज आप देखेंगे देश भर में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, किसानों और मजदूरों का एक तरीके से शोषण हो रहा है, और सरकार की जो नीतियां हैं उससे वो परेशान है। देश भर में महंगाई का एक बड़ा सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य का बड़ा सवाल है, और यही एक बड़ी जो समस्या भाजपा सरकार के समय में बन गई है वो है एक सांप्रदायिकता की, धर्म की राजनीति आज देश में लोकतंत्र पर हावी होते जा रही है। जो हमारा एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र था उस पे एक बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। तो हम लोग उस इन सारे जो समस्याएं हैं, एक तरीके से जो चुनौती है, उसके खिलाफ हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, और ये मतलब कि भारत जोड़ो अभियान का मुख्य मकसद है। बिहार के किसान नहीं जुड़ रहे हैं उसके लिए। हाँ, दूसरा आपका किसान आंदोलन के विषय में था सवाल। तो किसान आंदोलन, आपको जानकारी होगी आपके दर्शकों को कि 2020 से 21 तक हम लोगों ने देश भर में एक बड़ा किसान आंदोलन चलाया था, जो 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ और लगभग 13 महीने चला। तो उसमें आपको जानकारी होगी कि 800 से के आसपास किसान शहीद हुए थे, और एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी जो पूरे दुनिया में एक अनूठी लड़ाई थी। इसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगे जो थी, एक तो सवाल था कि जो कृषि कानून देश में लाए गए थे मोदी सरकार के द्वारा, 3 कृषि कानून जो लाए गए थे, उनकी एक वापसी का सवाल था। और 2-4 और प्रमुख मुद्दे थे, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का मुद्दा था, बिजली संशोधन विधेयक की वापसी का मुद्दा था, और किसानों के कुछ मुद्दे थे। तो जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ 13 महीने के बाद, तो सरकार ने हमें एक लिखित आश्वासन दिया कि हम लोग आपकी मांगों को पूरा करेंगे। उसमें और भी कई मांगे थे, जैसे किसानों पे बहुत सारे केस दर्ज किए गए थे, किसानों, आपको लखीमपुर खीरी के कांड के बारे में जानकारी होगी, जहां भाजपा नेता ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी थी और उनकी हत्या कर दी थी। अब हमारा उसी के बाद से ये एक क्रम चला आ रहा है, आज 2024 हो गया है, और इतने सालों का एक लंबा समय बीत जाने के बावजूद भाजपा ने किसानों की वो मांगे पूरी नहीं की है। इसके बाद हुआ ऐसा कि हम लोगों ने एक बड़ी देश भर में किसानों और मजदूरों की एकता पे काम किया। कल हम लोग देश के हर जिला में, जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर मार्च का आयोजन कर रहे हैं। इस मार्च में किसान जो है अपने अपने संगठनों के झंडे के साथ, मतलब 26 जनवरी को, हाँ 26 जनवरी को तिरंगे झंडे के साथ ट्रैक्टर मार्च या वाहन मार्च का आयोजन किया जाएगा। तो मैंने सुना कि आपने कल गणतंत्र दिवस को एक नया नाम दिया है, उसके बारे में कुछ बताया।
कल 26 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर मार्च है। अभी जैसे आपको जानकारी होगा कि इस साल के शुरुआत में ट्रक चालकों का एक हड़ताल हुआ था, हड़ताल तो उन्होंने भी हमें समर्थन 16 फरवरी को दिया। समर्थन ही नहीं, मतलब कि वो अपने मांग के साथ इस भारत बंद में एकजुट होंगे और साथ में बंद में शामिल होंगे। जो किसान और मजदूर की मांगे हैं उन्हें देश के एजेंडा में लाना हमारा मकसद है। तो आपको नहीं लगता कि किसान जो है अपने तरफ से एक गठबंधन इंडिया अलायंस को कुछ मजबूती देते तो शायद इंडिया अलायंस? देखिए, एक तो सवाल ये था कि किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है, जिसमें हम लोगों ने राजनीतिक दलों को शामिल नहीं किया है। किसान आंदोलन का ये जरूर स्टैंड है कि आप मोदी सरकार को हराइए, और इसका एक अभी जैसे आपको जानकारी होगी मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पे किसान आंदोलन ने उनके विधानसभा क्षेत्र में बड़ा रैली करके लोगों को कहा कि आप इन कृषि मंत्री जो हैं उनकी कृषि नीतियां किसानों को इस हद तक रास्ते में उसने धकेल दिया है कि आप लोग इनके खिलाफ वोट करें। लेकिन हम लोग किसी भी विपक्ष के किसी भी पार्टी को उस तरीके से इंडोर्स नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि सारे विपक्ष के दल हमारा एजेंडा उठाएं, अपने मैनिफेस्टो में डालें और चुनाव का मुद्दा बनाएं, और बाकी जनता अपने तय करेगी। एक तीसरा आपका सवाल था जिसपे हम लोग आ नहीं पाए, वो कम्युनिस्ट पार्टी वाला एक सवाल आपने किया था कि कम्युनिस्ट पार्टी इसमें शामिल है लेकिन व्यापक ये आंदोलन नहीं बन पाया है, मतलब बिहार के लोग नहीं शामिल हो पा रहे। सवाल ये है कि बिहार में या और कहीं पे किसानों के मुद्दे को हम लोग व्यापक, इसका यह भी तो वजह है क्या कि बिहार में उतनी खेती नहीं की जाती है कुछ चावल की या फिर फसलों की, मतलब जितना पंजाब में की जाती है इस हिसाब से? नहीं, बिहार का जो जनसंख्या खेती पे आधारित है वो किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा है, मतलब कि बिहार के ज्यादातर लोग खेती पे आधारित है। देश में ये जो संख्या है वो लगभग 50% से ज्यादा आती है, जबकि बिहार में 70% से भी ज्यादा है। जी जी। तो एक तो किसान यहाँ पे बहुत है, ये बात नहीं है कि यहाँ पे किसानों की संख्या कम है, लेकिन आंदोलन जो लोग जुटते हैं उसको सिर्फ ये नंबर से नहीं जोड़ा जा सकता है, उसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है। अब जैसे कि पंजाब या हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है वो किसान संगठन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है, वहाँ पे बहुत समय से आंदोलन होते आ रहे हैं और मतलब कि वहाँ पे एक सिलसिला चला आ रहा है। बिहार में बहुत समय से किसान आंदोलन उस तरीके का ताकतवर नहीं बन पाया है।